अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये बात तुम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? सर, ये बात मुझे टिया ने खुद बताई थी। उस दिन जब मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, तब टिया, मैं बहुत छोटा था जब मेरी माँ गुजर गई। पापा के पास तो कभी टाइम था ही नहीं मेरे लिए। तुमसे पहले कभी इतना प्यार, इतना अपनापन आज तक किसी से नहीं मिला। मैं चाहता हूं ये प्यार मुझे ऐसे ही मिले। मुझसे शादी करोगी? रौनक, मैं टिया, 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 I'm sorry. मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, और तुम चाहो तो ना बोल सकती हो। नहीं नहीं रौनक, मैं तो खुशी से रो पड़ी। मैं तो सच में डरी गया था कहीं तुम। रौनक, मैं ये अंगूठी पहनाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? मैं नहीं जानती ये सच जानने के बाद तुम मुझे चाहोगे या नहीं, लेकिन अपने होने वाले पति से मैं इतना बड़ा सच नहीं छुपा सकती। टिया, मैं कोई भी सच सुनने के लिए तैयार हूँ, और मैं जानता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं होगा। तो सुनो, चंद्रा सिन्हा मेरी बड़ी बहन नहीं है, वो मेरी माँ है। टिया चंद्रा के दबाव में थी सर, और पता नहीं इस राज को वो कब से अपने दिल में लेकर जी रही थी। जब उसने मुझे इस राज के बारे में बताया, उसके बाद वो रोने लगी। ये बात तुमने अपने पिता को बताई? हाँ सर। रौनक, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम इसी वक्त चंद्रा से माफी मांगो। डैड, ये सब मुझे टिया ने खुद बताया है। ये औरत झूठ बोल रही है। झूठ ये बोला विराट, ये झूठा है। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो साबित करो। डैड, अगर इस औरत की बातों में 1% की भी सच्चाई हुई ना, तो मैं जिंदगी में इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगा। बहुत हो गया रोहित। एक मिनट जान, एक मिनट। क्या कहा तुमने? अगर मैं ये साबित कर दूं, तुम दोबारा कभी इस घर में कदम नहीं रखो? नहीं रखूंगा। हाँ हेलो दी। इस वक्त हम तुम्हारी बात स्पीकर फोन पे सुन रहे हैं। अपने जीजा जी को बताओ कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ। क्या? ये कैसा सवाल है दी? जीजू ठीक तो है ना? चालिन, मैंने जितना पूछा है उतना ही जवाब दो, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम मेरी बड़ी बहन हो और मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। अब ये बताओ कि टिया से तुम्हारा क्या रिश्ता है? टिया मेरी छोटी बहन है और मैं टिया का बड़ा भाई हूँ, और हम तीनों भाई बहन हैं। और कुछ? और कुछ सरासर झूठ, झूठ है डैडी। डैड, आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है? ये औरत आपके साथ खेल खेल रही है। That's enough, Ronit. ये मामला तो उलझते ही जा रहा है। अब ये स्टैलिन कौन है? अब भी उलझ गए ना सर। ये उसी ने कहा था, टिया का बड़ा भाई। टिया चंद्रा की बेटी है, यानी कि स्टैलिन चंद्रा का बेटा है? सखा बेटा। लो सर, पता करो कि ये स्टैलिन का है, हा? और हो सके तो उसे यहां लेकर आओ। सर गो। सर आपकी फाइल। सब कुछ है ना इसमें? यस सर, सारी जानकारी है इसमें। गुड आफ्टरनून चंद्रा जी। अरे वाह चंद्रा जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि यह देखकर मुझे कितनी राहत मिल रही है कि आपने अपना अनशन तोड़ दिया।
डार्जिलिंग टी, फर्स्ट प्लस, खास आपके लिए। थैंक यू की क्या बात है, ये तो हमारी ड्यूटी है। अब देखिए ना, जब मैं ये पता कर सकता हूं कि आपको कौन सी चाय पसंद है, तो सोचिए मैं आपके बारे में क्या क्या पता कर सकता हूं। ऑफिसर तो आप शातिर हैं ही, लेकिन अब बाहर से पता करने की क्या जरूरत है? पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैं सर, हाँ चंद्रा जी, आपके घर के पास एक होटल है, 5-स्टार होटल शालीमार इंटरनेशनल। उस होटल में अक्सर एक आदमी मुंबई से आता है, रूम नंबर 1405। आप मेरी जासूसी करवा रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, इसे जासूसी नहीं कहते, इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश। और अपने तफ्तीश में मैं कोई ब्यौरा नहीं छोड़ता। खैर, वो आदमी वहां आता है, उससे मिलती है और उसके होटल का पूरा खर्चा SNN उठाता है। है कौन वो? बता दूंगी, लेकिन उससे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि उस बात का इस केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक तो है मैडम, इस आदमी का लखनऊ आने का सिलसिला लगभग उसी दौरान शुरू हुआ जब टिया गायब हुई थी। क्या रिश्ता है आपका इससे? कौन है ये? राजीव कपूर नाम है उनका। विराट से पहले वही मेरे पति हुआ करते थे, माय एक्स हस्बैंड। मुंबई में रहते हैं। आपके पति मिस्टर सिन्हा को उसके बारे में पता है? ऑफ कोर्स, राजीव ने ही तो मुझे विराट से मिलवाया था। बहन नहीं बेटी। हाँ चाचा, और सुनिए, सिर्फ बेटी ही नहीं, अरे मैडम के एक बेटा भी था और मैडम उसे अपना भाई बताती थी। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी बहन की नहीं, बेटी की हत्या कर दी है। अरे ये कैसन औरत है जिस जान को 9 महीना अपना पेट में रखा, पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसी को इतना बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। अरे ऐसी औरत से मिलना ही बहुत बड़ा श्राप है। और सुनो चाचा, चंद्रा सिन्हा के पहले पति ने ही उसे विराट सिन्हा से मिलवाया था। अरे मिलवाया क्या, जान छुड़ाई होगी फंदा सिन्हा के गले में डाल के। हाँ ये भी हो सकता है। कहाँ रहता है उसका पहला पति? मुंबई में। ये देखो लिखा है। हेलो। हेलो ईशा मैडम जी, कहिए। मुंबई पुलिस से PR रानी बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। सॉरी मैडम, वो मिस्टर कपूर कहीं मिल नहीं रहे। आप एक काम करिए, राजीव कपूर का एक दूसरा नंबर होगा, उसको सर्वेलेंस पे डालिए। ओके ठीक है मैडम। ठीक है। महेंद्र,
खिड़की खोल ले यार, देख कितनी फ्रेश एयर आ रही है। नहीं नहीं सर, आई एम ओके। शादी होगी तुम्हारी? जी सर। कब हुई? 6 महीने हो गए। मधुचंदा किया क्या? अबे हनीमून मधुचंदा। इतना नीरस कैसे हो सकता है कोई? काश इस जूनियर को छोड़ के मैं अपनी बॉस के साथ आता। पता नहीं क्या कर रही होगी वो। मैंने जब ये सब खबरें पढ़ी तो मैंने चंद्रा को बहुत कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की सर, मगर उसका फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था। मैं घबरा गया था सर, मुझे लगा इतना बड़ा केस है तो पुलिस चंद्रा के जान पहचान वालों से पूछताछ तो करेगी, पर बस मैं छुप गया सर। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो छुपने की क्या जरूरत थी, बल्कि आपको तो सामने आके पुलिस की मदद करनी चाहिए थी। क्या, छोड़िए, शुरू से शुरू करते हैं। चंद्रा से आपका क्या नाता था? सर चंद्रा मेरी पत्नी थी। मैं चंद्रा को पहली बार डिस्क में मुंबई में मिला था सर। हाय हाय, हे क्या डांस करते हैं आप? व्हाट, क्या कमाल का डांस करती हैं आप। पार्टनर कमाल का होता तो और कमाल का नाचती। ओह रियली? एक्सक्यूज मी, मैं अपनी आंख लेकर घूमती हूँ। या श्योर, मैंने तो सिर्फ इतना सोचा कि अगर सिगरेट मेरी हो सकती है तो मेरी आग क्यों नहीं। So one more drink? Yeah. Yes. You okay? Yes, I'm okay. तो एक कमाल का डांस हो जाए। पार्टनर तो कमाल का मिल ही गया है, अब कमाल का डांस करके भी देख लेते हैं। कुछ बात है उसमें सर, एक बार उसे कोई देखे तो देखता ही रह जाए। एक कशिश है उसमें, उसकी कही किसी बात को इनकार कर पाना लगभग नामुमकिन है सर। अच्छा खासा बिजनेस था मेरा, होटल बिजनेस, मगर उसके प्यार में ऐसा पागल हुआ कि सब कुछ लुटा दिया उस पर। शादी के कुछ सालों बाद तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन हाँ जब बिजनेस में परेशानियां शुरू हुई और मेरा बहुत सारा पैसा डूब गया तो नहीं सर, मैं पक्का अपने बिजनेस को फिर से खड़ा करके दिखाऊंगा सर। सर आप मेरे को, हेलो हेलो भाई राजीव। चंद्रा तुम कहाँ चली? तुम्हें छोड़कर तुम इस तरह बदल जाओगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं बदल गई हूँ? जरा खुद को देखो राजीव, बदली मैं नहीं तुम बदल गए हो। अब तुम वो राजीव कपूर नहीं रहे जिससे मैंने शादी की थी। उसके पास अच्छा खासा होटल था, करोड़ों का बिजनेस था, और ये राजीव कपूर दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गए हो तुम राजीव, इसलिए बदली मैं नहीं तुम बदल गए। चंद्रा एंड यस राजीव, ऑल द बेस्ट। चंद्रा मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं मैं फिर से इस बिजनेस को खड़ा करके दिखाऊंगा। राजीव प्लीज ये इमोशनल ड्रामा करना बंद कर दो। देखो मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम समझने की कोशिश करो, मेरी अपनी भी कुछ जरूरतें हैं जो तुम्हारे साथ इस माहौल में कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन तुम चली जाओगी तो हमारी बेटी का क्या?
बेटी जिसका कत्ल हुआ, टिया? नहीं नहीं सर, टिया मेरी बेटी नहीं थी, मेरी बेटी संजना, वो लंदन में पढ़ती है। तो फिर टिया और स्टेलिन का बाप कौन है? मंगेश महाशब्दे, मुंबई में चंद्रा से मिलने से पहले वो उसकी बीवी थी। टिया हत्याकांड में एक सनसनीखेज मोड़, कौन है मंगेश महाशब्दे? SSN मीडिया की मालकिन चंद्रा सिन्हा के पहले पति। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जैसा कि हमने बताया था हमारे जानकारी के मुताबिक टिया के हाय, कैसे हो? खाना खाया तुमने? खाना ही खा रहा था यार, और साथ साथ टीवी पे न्यूज भी देख रहा था। क्या चल क्या रहा है यार दुनिया में? चंद्रा सिन्हा के बारे में सुना तुमने? क्या गजब औरत है यार। क्यों, ऐसा क्या कमाल कर दिया उसने जो तुम्हारी आंखें बाहर आ रही है? अरे नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यार उसके इतने सारे पति थे, इतने सारे उसने राज छुपा रखे थे, उसके किसी भी पति को उसके बारे में कोई शक तक नहीं हुआ। गजब यार। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो कोई राज नहीं छुपाई ना उससे? क्या क्या बोलते रहते हो यार, कुछ भी बोलते हो। एक काम करो, तुम खाना खा के सो जाओ। देर तक जागे रहते हो ना, तो ये सब उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हो। और मुझे भी तो ऑफिस जाना है ना सुबह सुबह। यशवंत, अरे कहाँ खोए हो? हैं? कहाँ हो? क्या सोच रहे थे? मैं तो बस ये सोच रहा था कि उस चंद्रा सिन्हा के पहले पति महाशब्दे पर क्या गुजर रही होगी यार। और कलयुग, विश्वास ही नहीं होता है, एक औरत के तीन तीन तो पति। अरे चाचा, अभी तो तीन सामने आए हैं, और आगे कितने आएंगे पता ही नहीं। अरे भाई, कोई मजबूरी रही होगी, कोई जानबूझकर ऐसा नहीं करता। ये देखो चाचा को, चाचा भी फिसल गए। अरे चाचा, अभी तक तो आपने मैडम को देखा ही नहीं। हम सोचते हैं विराज सिन्हा जो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, पूरा मार्केट में सब कुछ नाप लेता है, लेकिन अपना पत्नी के चरित्र नहीं नाप सका। सोचने वाली बात है। ओ चाचा, सोचने वाली बात कुछ नहीं, हमको तो लगता है विराज सिन्हा में कुछ तो गड़बड़ है। एक बिस्कुट दो। पर्दा भी बंद, कुछ गड़बड़ है। पीछे से जाओ, आगे से देखता हूं। हाँ भाग रहा है, चल तुझे लखनऊ में पिज्जा खिलाता हूँ, चल। निशा, मुझे विराट की पूरी रिपोर्ट चाहिए फौरन। यस सर। सर रौनित आपका अंदर वेट कर रहा है। अच्छा, आप समझने की कोशिश करिए ना सर, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने टिया को ढूंढने की कोशिश की थी पर कोई फायदा नहीं हुआ, मैंने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी लिखवाई थी, ये देखिए सर। कहाँ लिखवाई थी? गोमती नगर पुलिस स्टेशन।
हमारे हिसाब से टिया गायब कभी थी? सर, टिया ने और मैंने फैसला लिया था कि हम दोनों डैड का घर छोड़ देंगे। दरअसल पूरा घर ही वो ही चला रही थी। मैंने सोचा डैड से बात करके बिजनेस के लिए पैसे ले लेता हूँ। रोनित, मैंने तुम्हारी मेल पढ़ी। मैं तुम्हारे बिजनेस में पैसे लगाने के लिए तैयार, मगर मेरी एक शर्त है। क्या? तुम टिया को भूल जाओ। दैट मैं टिया से प्यार करता हूँ? हरगिज नहीं। तो फिर मेरा जवाब भी है, हरगिज नहीं। डैड, मैं आपका बेटा हूँ। डैड, तो बेटा होने का प्रूफ दो। जो मैं कह रहा हूँ उसे बिना बहस के एक्सेप्ट करो। द ऑफर इज स्टिल ऑन द टेबल, थिंक अबाउट इट। टिया और मैं एक साथ रह तो रहे थे, लेकिन एक बात मुझे दिन रात परेशान कर रही थी। टिया की कमाई से ही पूरा घर चल रहा था सर। वो दिन रात मेहनत करती थी। मैंने सोचा डैड से समझौता कर लेता हूँ, कुछ पैसे डैड से लेकर अपना बिजनेस शुरू कर लेता हूँ। जैसे ही मेरा बिजनेस सेट हो जाएगा, मैं टिया को अपने पास बुला लूंगा। फिर एक दिन, हाय, बहुत टायरिंग डे था आज। ये क्या है, कहीं जा रहे हो? हाँ। कहाँ? मुंबई। मुंबई? बताया नहीं तुमने कितने दिनों के लिए? क्योंकि मुझे नहीं पता। नहीं पता मतलब? मतलब मैं थक गया हूँ। टिया, मैं तुम्हारे ऊपर और बोझ बन के नहीं रह सकता। मैं मुंबई जा रहा हूँ कुछ करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। और ये सब तुमने अपने आप ही तय कर लिया? क्योंकि मैं जानता था अगर तुम्हें बताऊंगा तो तुम मानोगी नहीं, इसलिए सिर्फ तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए रुका हुआ था। रोनित, तुम मुझे छोड़ रहे हो? प्लीज रोनित, ऐसा मत करो। तुम जानते हो ना, तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है। टिया, तुम्हारे सिवा मेरा भी कोई नहीं है, पर मुझे जाना होगा, हम दोनों के लिए। नहीं रोनित, नहीं, छोड़ो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। रोनित प्लीज, रोनित। अगर मैं बिजनेस के लिए मुंबई नहीं जाता तो टिया मेरे साथ होती। जब मेरा मुंबई में बिजनेस सेट हो गया तो मैंने सोचा लखनऊ से टिया को अपने पास बुला लेता हूँ। और जब मैं लखनऊ पहुंचा तो मुझे टिया कहीं नहीं मिली। मैंने बहुत ढूंढा सर, फिर एक दिन मैं अपने डैड के घर गया। टिया यूएस चली गई। यूएस? उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, जैसे तुम्हें हुआ था। इम्पॉसिबल डैड, वो मुझसे प्यार करती है। प्यार तो तुम भी उससे करते थे, तुम भी तो चले गए थे मुंबई उसको छोड़कर अपने बिजनेस के लिए। तुम्हारी नई जनरेशन का मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। अरे प्यार करते हो तो एक दूसरे को छोड़ के चले क्यों जाते हो? प्यार तो हम करते हैं, साथ में रहते हैं, एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते। तुम्हारे प्यार की पट्टी तो मैंने खुद उसकी आंखों से खोल दी थी। उसे बता दिया था कि तुम कितने निकम्मे और भगौड़े इंसान। उसे समझ आ गई थी, इसीलिए चली गई। ये जो रिपोर्ट तुमने लिखवाई थी, इस पर कोई कार्रवाई हुई? हुई थी ना सर कार्रवाई। मैं पुलिस को लेके अपने डैड के घर गया था। दरअसल आपके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है। इनका कहना है कि आपने अपनी बहन टिया को कहीं गायब कर दिया। इंस्पेक्टर, आपको मैं कोई जादूगरनी नजर आती हूँ जो जादू करके लोगों को गायब कर दूंगी? और आपके डिपार्टमेंट में क्या इतनी बेकारी छाई हुई है कि ऐसे ऐरे गहरे लोगों के कहने पर आप इज्जतदार लोगों के घर पर आ धमकेंगे? सॉरी मैडम, पर हमें हमारी ड्यूटी करनी पड़ेगी। सर, आप इसकी बातों में मत आइए। आप जानते नहीं इसे कि जरूर आपको उलझा रही है। एक मिनट, एक मिनट, सबूत चाहिए ना। क्या है ये? टिया का इस्तीफा। इसमें साफ साफ लिखा है कि वो नौकरी छोड़कर अमेरिका जाना चाहती है। पढ़िए। और टिया के दस्तखत तो तुम पहचानते ही होगे, चेक कर लो। दस्तखत तो टिया के ही है, लेकिन आप जानते नहीं हो इस औरत को। ये जरूर कोई गेम खेल रही है सर, आप एक बार अच्छे से पूछताछ कीजिए। रोनित, पुलिस को उसका काम मत सिखाओ।
सब कुछ क्लियर हो गया है इस इस्तीफे से। इस्तीफा? इस्तीफे में टिया का सिग्नेचर। ये बात टिया कहां काम करती थी? सर गुडविल एड एजेंसी। ईशा ऐसा करो कि तुम गुडविल एड एजेंसी के एचआर मैनेजर से मिलो और उनसे पूछो कि टिया खुद अपना इस्तीफा लेकर आई थी या फिर किसी के थ्रू भिजवाया था उसने, और उसकी कॉपी भी लेकर आना। डन सर। सो नहीं 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 नहीं, तुम थोड़ी देर और खेलो उसके साथ, उसके बाद मैं आता हूँ। जी बढ़िया। साहब अब तुम मुझे छोड़ दो। साहब चुपचाप बैठ जाओ, वहां जाके जाके बैठ। कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा मेरा तो। क्यों क्या हुआ? क्यों क्या हुआ क्या मतलब? जो भी गलत बयानी कर रहा है या झूठ बोल रहा है सर, उसको अपने हाथ से तोड़ रहे हैं। अच्छा, और तुमने वो ड्राइवर की चीखें सुनी? तो सो ही नहीं पाई रात भर। अरे वो बेचारा तो एम्बुलेंस के आने तक भी नहीं टिक पाया। और वो ढिल्लों साहब? अरे वो तो भीम है, भीम। उसका हाथ नहीं पत्थर है। उस ड्राइवर बेचारे का हाथ पता कैसे तोड़ा था? कैसे तोड़ा, कैसे तोड़ा? ये ऐसे पकड़ा, कटक, बिल्कुल ऐसी आवाज आई थी। लेकिन पता कैसे चलता है कि वो हाथ पर तोड़ने वाले? अरे बहुत इजी है, जब भी किसी को सीधा सीधा मारना होता है ना तो सीधे हाथ से झापड़ मार देते हैं, खटाक। लेकिन अगर किसी के हाथ पैर तोड़ने हैं तो सबसे पहले अपनी घड़ी उतारते हैं। लेकिन घड़ी क्यों उतारते हैं वो? एक्चुअली वो घड़ी ना उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको गिफ्ट दी थी। अब अगर हाथ पैर तोड़ने के चक्कर में घड़ी टूट गई तो गर्लफ्रेंड का दिल टूट जाएगा ना। हाँ वो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बाप रे, भाई चंद्रा तेरी कौन लगती है? कितनी बार तो बताया है, मेरी बड़ी बहन। गलत जवाब। बता दो सब बता दो। चंद्रा सिन्हा मेरी माँ है। बचपन में ही माँ हमें नाना नानी के पास छोड़ के चली गई थी। कभी कभार आया करती थी मिलने, फिर वो भी छूट गया। समय बीतता चला गया, नाना नानी भी बूढ़े हो चले और वो ज़्यादातर बीमार रहने लगे। फिर हमने किसी तरह माँ को कांटेक्ट करने की कोशिश की और वो हमसे मिलने आई। तुम दोनों ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठे हुए? अब बड़े हो चुके हो। देखो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दिलवा सकती हूँ, तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा। लेकिन उसके लिए तुम दोनों को मेरी एक शर्त माननी होगी। हाँ मानेंगे ना, आप जो बोलेंगे हम मानेंगे। शर्त ये है कि दुनिया के सामने मैं तुम दोनों की मां नहीं बहन कहलाऊंगी। अगर शर्त मंजूर है तो इसी वक्त तुम दोनों के अकाउंट में 1-1 लाख डलवा देती हूँ, और अगर मंजूर नहीं है तो। हाँ मंजूर है, मंजूर है। क्यों टिया, मंजूर है ना? देखो मामा, टिया को भी मंजूर है। गुड, लेकिन मामा नहीं, दीदी। तो फिर परेशानी क्या थी? मुश्किल हो रही थी, अचानक पैसे आए और मेरे खर्चे बढ़ गए। ड्रग्स? और फिर एक दिन माँ ने मुझे अपने घर बुलाया। अच्छा, मेरी ऑफिस में एक छोटी सी मीटिंग है, उसे फिनिश करके मैं तुम्हें कहीं बाहर ले चलूंगी, वहां हम ड्रिंक्स और डिनर एंजॉय करेंगे। और मेरे वापस आने तक तुम इसे फिनिश करो।
ऐसे क्या देख रहे हो? बड़े हो गए हो, पीनी तो शुरू कर ही दी होगी। हाँ, छोटा बच्चा थोड़ा पीता हूँ, थोड़ा थोड़ा। गुड, ठीक है, अब तुम ये ड्रिंक एंजॉय करो, मैं अपना काम निपटा कर आती हूँ, फिर मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे भी डलवा दूंगी। एंजॉय, हैव फन। वो पीने के बाद मैं बेहोश हो गया, और जब होश में आया तो मैं अपने घर पर नहीं था, मैं रिहैब सेंटर में था। सर, अगर मैं वहां से भागा ना होता तो मैं मर जाता सर। मैं किसी तरह वहां से वापस नैनीताल आया, और कसम खा ली कि माँ से वापस कभी नहीं मिलूंगा। अपनी बहन से भी नहीं मिले? सर, वो तो लखनऊ रहने लग गई थी, उसकी माँ के साथ बहुत जम गई थी, और वैसे भी हम लोग इतने करीब नहीं थे सर, हम दोनों अपने अपने दुनिया में ही रहते थे। सर। हाँ जी। सर, ये विराट सिन्हा की फाइल है, ईशा मैडम ने आपको देने के लिए। अच्छा, सच बताऊं तो हमें भी बहुत आश्चर्य हुआ, अचानक से टिया का इस्तीफा, अमेरिका, कुछ समझ नहीं आया। और रेजिग्नेशन लेटर भी टिया ने मेल किया था। ईमेल? वो खुद नहीं आई? नहीं मैडम, और जब हमने मेल के जवाब में लिखा कि हमें रेजिग्नेशन की हार्ड कॉपी चाहिए, तो वो भी किसी और ने लाके दिया था। क्या नाम था उसका? हाँ, प्रतिमा। प्रतिमा टिया की कलीग या फिर दोस्त? नहीं मैडम, चंद्रा सेना की सेक्रेटरी। चंद्रा सिन्हा की सेक्रेटरी? जी। यस मैडम, वो रेजिग्नेशन लेटर मैंने ही टाइप कर मैडम को दिया था। और उस लेटर में लिखना क्या है, ये टिया ने बताया था या मैडम ने? मैडम ने। फिर कुछ देर बाद चंद्रा मैडम वो लेटर लेकर वापस आई, उसमें टिया मैडम का साइन था। तो टिया ने तुम्हारे सामने साइन नहीं किया? वो साथ थी? नहीं, उनके साथ राजीव जी थे। यू मीन चंद्रा मैडम के एक्स हस्बैंड राजीव कपूर? जी मैम। मिस्टर कपूर, मैं आपके और आपकी तलाकशुदा पत्नी के खेल से तंग आ चुका हूं, अब मेरे अंदर रत्ती भर का सब्र भी नहीं है। अब या तो आप सब कुछ सच सच बता दो, या फिर मैं सर, मैं बताता हूं सर, बताता हूं सर। मेरे बहुत सारे पैसे डूबे हुए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस कर्ज के जाल से कैसे निकल पाऊंगा। तभी एक दिन चंद्रा की मुझे कॉल आई, उसने मुझे लखनऊ बुलाया, उसने मुझे बताया कि कैसे टिया और रौनित का रिश्ता उसके लिए खतरा बन गया है, और फिर कैसे उसने टिया को रौनित से अलग कर लिया। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है चंद्रा? रोनित दूर तो हो गया ना उससे? नहीं राजीव, रोनित तो दूर हो गया है, लेकिन अब उससे भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है मेरे सामने। क्या क्या प्रॉब्लम है? आप नहीं बताएंगी तो मैं इन्हें सारा सच बता दूंगी, और ये सब कुछ आज से नहीं, बहुत टाइम से चल रहा है। बताऊं कब से? दिया तुम ठीक तब से, जब से आपने रौनित को मुझसे अलग कर दिया। कितना खुश किस्मत है ना ये आदमी, एक ही छत के नीचे माँ और बेटी दोनों के साथ सोने का सौभाग्य इसे मिला। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, और मैंने तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लिया, हिसाब बराबर। मेरा अपना खून मुझे ही डसने चली है, मुझे और विराट को धमकी दे रही है। अब तक तो बात घर की चार दीवारी में है, लेकिन हमें धमकी दे रही है कि पूरी दुनिया को ये सच बता देगी। कुछ भी हो, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। पर चंद्रा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बस जो मैं कहूँ वही करना है। मैं तुम्हारे सारे कर्जे उतार दूंगी, जरूरत से कहीं ज्यादा दूंगी, बस मेरी मदद कर दो। करोगे ना? हाँ, तुम
तुम जो भी कहोगी मैं वही करूंगा। उसी पल में मुझे अपने बरसों की परेशानियां दूर होती नजर आ रही थी और मैंने फिर से उसी औरत का गुलाम बनना स्वीकार कर लिया जो बुरे वक्त में मुझे ठोकर मारकर चली गई थी। सर, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी विराट सेना को अरेस्ट करने की? आराम से सीना साहब, इस उम्र में इतनी बेचैनी ठीक नहीं होती। तुम्हारे पास मेरे अगेंस्ट क्या एविडेंस है? Why am I arrested? कॉल रिकॉर्ड्स है आपके। ये कॉल रिकॉर्ड्स भी ना बड़ी कमाल की चीज होती है। आपको पता है कि टिया का फोन आखिरी वक्त कहां पर एक्टिव था? कुरेल नेशनल पार्क, जहां पर टिया की लाश मिली थी। और ठीक उसी वक्त वहां पर किस किस का फोन एक्टिव था? आपकी पत्नी चंद्रा का, उसके ड्राइवर चंदू का और उसके एक्स हस्बैंड राजीव कपूर का। तो इसमें मैं कैसे इन्वॉल्व हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ये सारे सबूत इकट्ठे कर लिए जाए ना और कोर्ट में जज के सामने रख दिए जाए तो उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे अगेंस्ट क्या एविडेंस है? उस दिन आपने अपनी पत्नी को कॉल किया था। अरे मेरी पत्नी है, मैं उसे कॉल करता रहता हूँ, तो ये कहां से कोई क्राइम हो गया? हाँ हाँ, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उस दिन से पहले आपने कभी अपनी पत्नी से 10 मिनट से ज्यादा बात नहीं की। लेकिन उस दिन आपने एक बार आधे घंटे बात की और दूसरी बार 2 घंटे तक बात की आपने। और भी कई सबूत हैं हमारे पास तुम्हारे खिलाफ। बट 2 घंटे अगर बात कर भी ली तो कुछ मेरे को याद नहीं है मैटर क्या था, मगर दैट्स नॉट एविडेंस। चलो वैसे हाँ, मैं चंद्रा से बात कर रहा था, बीवी है वो मेरी, इसमें क्या एविडेंस मिल गया? अब तफसील से सारी घटना बयान कीजिए। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि सिकंजा कसा जा चुका है, आप लोगों का बचना मुश्किल है। चंद्रा, तुम इन लोगों को सब सच बता दो, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। जिस दिन मैंने टिया को विराट के साथ स्टडी में देखा था, मैं उसी दिन समझ गई थी कि अब टिया मेरे लिए और मेरे सपनों के लिए खतरा बन चुकी है। विराट को भी अपने किए पर पछतावा था, ये समझ चुका था कि टिया ने सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। इसलिए हमने उसी दिन टिया को खत्म करने का फैसला कर लिया था। प्लान किसका था? प्लान हम सब ने मिलकर बनाया था। मैं जानती थी चंदू बहुत लालची है, ये पैसों के लिए कुछ भी करेगा, इसलिए सबसे पहले मैंने चंदू की मदद ली। कुछ महीने पहले मैंने कुरेल नेशनल पार्क के पास एक जमीन खरीदी थी फार्म हाउस बनाने के लिए, तो मैंने चंद्रा को बोला कि टिया को वो वहीं ले जाए और मार के वहीं दफना दे। वो गाड़ी आपकी खुद की थी? नहीं, वो जिम्मेदारी चंदू की थी। गाड़ी हमारे दोस्त की थी, भाड़े पर ली थी हमने। गाड़ी का बंदोबस्त तो हो गया था, लेकिन चंदू ने टिया का कत्ल करने से साफ इनकार कर दिया था। अब टिया को मार पाना मुझ अकेली के बस का काम तो था नहीं, इसलिए मैंने राजीव से मदद मांगी। प्लानिंग तो बहुत सही थी मैडम, लेकिन कत्ल वाले दिन हुआ क्या था? मैंने टिया को कॉल किया था। हेलो, कौन बात कर रही है आप? अपनी माँ से बहुत नाराज हो ना? मैं खुद अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। कहाँ? डेनमार्क। इसलिए जाने से पहले मैं अपने दोनों बच्चों से मिलना चाहती हूँ। अपनी माँ से मिलने आओगी ना टिया?
बेटा ना मत बोलना, खाओगी ना? और वो मान भी गई थी, लेकिन टिया घर नहीं आना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे इंदिरा नगर के एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया, जहां उसकी कोल्ड कॉफी में मैंने पहले से ही दवाई मिला रखी थी। उसे पीते ही कुछ ही मिनटों के बाद वो बेहोश हो गई। कॉफी पीते ही टिया को चक्कर आने लगे, फिर मैं उसे कार तक ले गई और कार में बैठते ही वो बेहोश हो गई और फौरन उस लोकेशन की तरफ निकल गए जहां पहुंचने के लिए हमें विराट ने कहा था, कुरैल नेशनल पार्क। उस लोकेशन पर पहुंचते ही सबसे पहले गाड़ी में राजीव ने उसका गला घोंटा। वो बहुत छटपटा रही थी। मैंने उसके हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब भी उसकी सांसें चल रही थी। जोर से दबाओ गला। राजीव अपना काम अच्छी तरह से कर नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने राजीव को हटने के लिए कहा और अपने दाएं हाथ से खुद टिया का गला दबाया। तब भी वो तड़प रही थी। फिर मैंने राजीव को उसके पैर पकड़ने के लिए कहा। पैर पकड़ो उसके। उसके बाद उसकी बॉडी को एक सूटकेस में डालकर लेके आए। गड्ढा हमने पहले से ही खोद रखा था और उसे उस गड्ढे में डाल दिया। फिर उसके बाद राजीव ने उस सूटकेस पर कैरोसिन छिड़क दिया। मैंने माचिस से उस सूटकेस को खुद आग लगाई थी। और फिर कॉल करके विराट को सब कुछ बता दिया। इतना खूबसूरत चेहरा और उस चेहरे के पीछे इतना भयानक मन, आप लोगों को तो जितनी भी सजा देना कम है। महेंद्र, इसमें से चिप निकालो, उसे सेव करो। हेलो सर, मिशन कंप्लीट सर। गुड, थैंक यू सर। तुम लोग वहां से निकल जाओ, मैं वहां के लोकल पुलिस को फोन करवाता हूँ, उन लोग पहुंचने से पहले निकल जाओ। ओके सर।